कैपेसिटर, कैपेसिटर एक सिस्टम होता है, कैपेसिटर इज अ सिस्टम, ये पर्टिकुलर सिस्टम है। ये सिस्टम में क्या क्या है? देयर आर टू कंडक्टर्स। कैपेसिटर इज अ सिस्टम विच इज कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर, दो कंडक्टर होंगे, जस्ट लाइक अ बैटरी, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज एग्जैक्टली सेम इन कैपेसिटर। कैपेसिटर इज कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम, एक सिस्टम से बंदा बना जाता है। और ये सिस्टम में होता कौन है? देयर इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, देयर इज अ नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इनके बीच में ये जो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल्स है, इनके बीच में होगा डाइइलेक्ट्रिक्स, एंड दिस कांसेप्ट इज कॉल्ड एज कैपेसिटर। सो व्हाट इज अ टर्म्स इज कॉल्ड एज कैपेसिटर? कैपेसिटर इज अ सिस्टम व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। दो कंडक्टर से बनता है। दो कंडक्टर कौन से यहाँ पे देख ले, एक पॉजिटिव एंड एक इज अ नेगेटिव। तो हम लोग इसको वर्ड सेकंड वर्ड से भी यूज कर सकते हैं, दैट इज अ टर्मिनल्स। देयर इज पॉजिटिव टर्मिनल, देयर इज नेगेटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव टर्मिनल के सारे पॉजिटिव चार्जेस होंगे, जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्जेस इधर होंगे, और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन होगा वो सेपरेशन किसका होगा? डायलेक्ट्रिक्स का। और डायलेक्ट्रिक्स हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। The dielectrics is placed between the positive terminal and the negative terminal, and this positive terminal and negative terminal के बीच में आपका dielectrics होगा, so this concept is called as capacitor। ये एक system में जोड़ा जाएगा, system एक system होगा, system के भी एक terminal सा आपका positive terminal, and the second terminal is your negative terminal, and in between the positive and negative terminal there is a dielectrics। और dielectrics काम क्या करेगा, function क्या होगा, characteristic क्या होगा, पहले ही पढ़ चुके हम। And this is total combination is called as capacitor। तो बहुत सिंपल, what is capacitor? Capacitor is a system, एक particular system है, which is consist of, किससे बना हुआ है? There are two conductors of equal and opposite polarity of charges separated by the dielectrics or insulator। Dielectrics का दूसरा नाम insulator भी है। So that is called as a capacitor। So very simple concept for the capacitor। What is capacitor? Capacitor is a system। एक सिस्टम है, किससे बना हुआ है? इस कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंडक्टर्स, विच इज कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पोलैरिटी ऑफ चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट पोलैरिटी ऑफ चार्ज, एंड सेपरेटेड बाय द डायलेक्ट्रिक्स। सेपरेट किससे किया गया? डायलेक्ट्रिक्स का दूसरा नाम इंसुलेटर। क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड एज सिंपल कंसेप्ट फॉर द कैपेसिटर। क्लियर? व्हाट इज कैपेसिटर? Capacitor is a system. Capacitor is a system which consists of two conductors, which consists of having equal and opposite polarity of charge, having equal and opposite polarity of separated by the dielectrics, separated by dielectrics, dielectrics का दूसरा नाम separated by the dielectrics or insulator is called as capacitor. Clear हो गया? Capacitor हम लोग C से denote करेंगे, किससे denote करेंगे? सी से। क्लियर हो गया है? ठीक है, अगेन व्हाट इज डेफिनेशन फॉर कैपेसिटर? कैपेसिटर इज अ सिस्टम व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स, व्हिच कंसिस्ट ऑफ हैविंग इक्वल एंड अपोजिट पोलैरिटी ऑफ, हैविंग इक्वल एंड अपोजिट पोलैरिटी ऑफ, सेपरेटेड बाय द, सेपरेटेड बाय डायलेक्ट्रिक्स और इंसुलेटर इज कॉल्ड एज कैपेसिटर। क्या कैपेसिटर समझ में आ गया? जो भी आप कंडेंसर देखते हो, जो भी आपने कैपेसिटर देखा हो, कैपेसिटर में आपको तीन चीजें मिलेंगी। अब वहां पे वो इसमें केमिकल रिएक्शंस होती है, वो रिडॉक्स रिएक्शन, वो हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं इसके। ठीक है, बैटरी का जो वर्किंग्स होता है, बैटरी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वर्किंग्स होता है, वो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बैटरी का जो भी वर्किंग होता है, बैटरी का जो भी फंक्शंस होता है अकॉर्डिंग टू द केमिकल रिएक्शंस, वो आप किसमें पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में। हम लोग यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्लियर? फिजिक्स में सिर्फ आप, आपका जो थर्मोडायनामिक्स है, थर्मोडायनामिक्स आपने फिजिक्स में भी पढ़ा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा? अच्छा, होने का केमिस्ट्री का। अच्छा ठीक है, जो आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हो वो केमिकल थर्मोडायनामिक्स है, हम लोग ने जो पढ़ा फिजिकल थर्मोडायनामिक्स है। इतना क्लियर है? ठीक है, सिमिलर तौर पे फिजिक्स में आप फिजिकल प्रॉपर्टी से अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में आप केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। क्लियर?
तो यहाँ पर ये इक्वेशन कैसे कैसे काम, यहाँ पे ये एनर्जी कैसे बनेगी, वहां सारा केमिस्ट्री का काम है. तो हम लोग इसकी सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे. क्लियर? सो व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर इज अ सिस्टम. कैपेसिटर इज अ विच कंसिस्ट ऑफ हैविंग इक्वल एंड अपोजिट पोलैरिटी ऑफ सेपरेटेड बाय द और दूसरी चीज पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना जनरेट होगा. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दो चीजें यहां बहुत इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ई से डिनोट कर ले इसको, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी से डिनोट कर. अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा यहां पर, इट्स वेरी सिंपल. जितने नंबर ऑफ चार्जेस यहां पे है उसके अकॉर्डिंग तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी, और जितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है उसी के अकॉर्डिंग तेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बनेगा. इट्स वेरी सिंपल. देख ये जो चार्ज है यहां पर, हर एक चार्ज क्या अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? According to the characteristic and property of charges, क्या हर एक चार्ज अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है? अबे सारे चार्जेस हमने खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे ना, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाएगा उसका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एरिया होगा, ऐसे कुछ. क्लियर? हर किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया होगा, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी, जितने मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस. अगर ज्यादा चार्जेस यहां है तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी तेरी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और कम चार्जेस है तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी. इट मींस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज जनरेटेड इन द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस. समझो यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, कैपेसिटर में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, यह किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? यहां पे कितने नंबर ऑफ चार्जेस है, और जितने नंबर ऑफ चार्जेस होंगे उतने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी. द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की हर एक चार्ज अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा. क्लियर? अब सिंपल सी बात है, यहां से अगर मैं बोलू कि यहां से कितना अमाउंट ऑफ साउंड जनरेट हो सकता है, क्या ये टोटल डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां बैठे हुए? क्लियर है? अगर मैं बोलू कि यहां से भी है, सभी लोगों को बोलो कि यहां से चिल्लाना चालू कर दो, तो यहां से जो साउंड बाहर निकलेगा, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड व्हिच इज इमिटिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्टर, इट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्टूडेंट व्हिच इज एनक्लोज्ड इन द क्लास. क्लियर? सिमिलर तौर पर यहां से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? जितने नंबर ऑफ चार्जेस होंगे. इसलिए यहां से दो टर्म्स पड़ी जाती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जनरेशन. तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से कितनी जनरेट हो रही है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी यहां पर? सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जितने नंबर ऑफ चार्जेस है, और नंबर ऑफ चार्जेस के लिए हम लोग यहां ये वर्ड यूज करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, टोटल चार्जेस. सो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जनरेट हो रही है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मैग्नीट्यूड चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, या टोटल नंबर ऑफ मैग्नेट ऑफ द चार्जेस. सो दिस इज अ कांसेप्ट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. इट मींस दैट यहां आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट हो रही है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कितने नंबर ऑफ चार्जेस यहां पे है. क्लियर? एंड सिमिलर तौर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कितना जनरेट होगा, जितने नंबर ऑफ चार्जेस है. तो अगेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेट ऑफ द चार्ज इनक्लोज इन द कैपेसिटर. क्लियर? एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज जनरेटेड इन द कैपेसिटर इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, मैग्नेट्यूड ऑफ द चार्जेस इनक्लोज बाय द कैपेसिटर. जितने नंबर ऑफ चार्जेस होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और जितने नंबर ऑफ चार्जेस है उतने नंबर से ही आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्क्राइब होगी. तो इसीलिए यहां से हम लोग एक रिलेशन लिखेंगे. क्या लिखेंगे रिलेशन? सो दैट मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेट ऑफ द चार्ज.
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, एंड और एक इक्वेशन लिखी जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। क्लियर? अब हम लोग ये वाली इक्वेशन को पकड़ेंगे तो ये इक्वेशन v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, वी कैन से दैट अगेन q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करेंगे तो क्या यूज करेंगे, कांस्टेंट, सो दिस इज अ c एज अ कांस्टेंट एंड दिस इज v। क्लियर? एंड व्हाट इज c? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। व्हाट इज c? समझेगा, चिंता मत करिए। व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होगा ये भी समझेगा। क्लियर? वेयर सी इज अ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, वेयर सी इज अ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, और यहां से अगर मैं सी बनाऊं तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, सो दिस इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर कैपेसिटर। सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, वेयर क्यू इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, क्यू इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, एंड वी इज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक जनरेटेड बाय मैग्नीट ऑफ द चार्ज। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, किसके वजह से जनरेट हुआ, मैग्नीट ऑफ द चार्ज। क्यू क्या है, टोटल मैग्नीट ऑफ द चार्जेस, टोटल मैग्नीट ऑफ द चार्ज, एंड व्हाट इज सी हियर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। सो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज डिफाइंड एज इट इज अ रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, मैग्नीट ऑफ enclosed in the capacitor to the electric potential generated by the charges, and this is the concept of capacitor. What is capacitor? Capacitance of a capacitor is defined as it is a ratio of magnitude of the charge enclosed by the capacitor to the electric potential generated by the charges. Called as capacitance of capacitor, and this is the concept of capacitor. Clear? सबसे पहले definition दी कि हम लोग ने capacitor की. What is capacitor? Capacitor is a which consists of two conductor, which consists of equal and opposite polarity of charges, equal and opposite polarity of separated by the dielectrics. Is called as capacitor. इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट होगी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टोटल नंबर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। अगेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना जनरेट होगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टोटल नंबर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, वी कैन से दैट क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर जिस समय प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करते क्या यूज करेंगे हम लोग, कांस्टेंट, तो क्यू इज इक्वल टू सी इनटू वी, वेयर सी इज अ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड सी इज डिफाइंड एज इट इज अ रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एनक्लोज बाय द कैपेसिटर टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेटेड बाय द चार्ज। क्लियर हो गया? देखें यहां से, अब यहां से देख लो तो इसका असाइनमेंट बना सकते हैं हम लोग इसका, वेयर असाइनमेंट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज कूलम अपॉन वोल्ट, चार्ज का यूनिट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट, तो कूलम अपॉन वोल्ट, और इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है फैराड। क्या होता है? अब 1 फैराड कब होगा, 1 फैराड कब होगा, व्हेन देयर इज 1 कूलम ऑफ चार्जेस एंड व्हेन देयर इज 1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब होगा कैसे, 1 फैराड कब होगा, व्हेन देयर इज 1 कूलम ऑफ चार्जेस। यहां अगर Q का वैल्यू अगर मैं 1 रखूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 1 रखूं, तो V या C का वैल्यू क्या मिल जाएगा मेरे को, 1 फैराड। सो 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट। क्लियर? हां, तो ये क्या बन गया, जरा 1 फैराड, दिस इज द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, सो दिस योर SI एंड ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अगर मैं इसका यहां ले लिया मैंने SI यूनिट, इसका डायमेंशन बोल क्या होंगे, सी का डायमेंशन बोल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर के, ऊपर चार्ज है नीचे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, L कितना, L, अच्छा यहां देखना वोल्टेज नीचे है, वोल्टेज वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज, L माइनस 2m-1t4i2, दिस इज डायमेंशन फॉर इलेक्ट्रिक, दिस डायमेंशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, एंड दिस इज कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर। सो वेरी सिंपल, समझाओ, अबे समझ गया, हाँ, ये डायमेंशन कैसे, व्हाट इज डायमेंशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो
अबे वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन क्या, वर्क डन बाय चार्ज था, वर्क डन का L2 M1 D-2 और चार्ज का ID, चार्ज का ID, तो ये क्या हुआ L2 M1 T-3 I-1, यहाँ रख दे इधर, फिर से ऊपर क्या है चार्ज, तो यहाँ आ गया तेरा IT, ऊपर गया L-2, ऊपर गया M-1, ये ऊपर गया T4, ये ऊपर गया T, इतना तेज तुम्हारा दिमाग नहीं चलता, वो बात अलग है, ठीक है, कंसेप्ट समझा कैपेसिटर का, व्हाट इज कैपेसिटर?